गए सोबा सोबा फिर ये गेम खेलने। और भाई काम नहीं है, पढ़ाई करो जाके भाई। चलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अब है जो है टाइम, वो टाइम कितना है यार, तो अभी जो टाइम है दोपहर के 2 बज चुके हैं। सो मुझे कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। तो चक्कर अभी ये है, सुबह में काम में बिजी था सुबह से, तो इसलिए ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया। कल वाला सीन हुआ बिल्कुल, तो स्टार्ट करने की कोशिश करी, बाद में ना दो के फिर काम करने बैठ गया मैं। तो अब जो है फिर जस्सी का कॉल आया कमल का कि ये बोले कि जलंधर निकलना है किसी काम के लिए। तो मैंने तो पहले भी कहा था आप जाओ क्योंकि मेरा टाइम नहीं, काम में बिजी था। तो फिर ये 1 घंटा रुक गया और 1 घंटे बाद फिर कॉल किया कि अब फ्री है, अब चल फिर। तो अब लेके जा रहे जलंधर, हम तीनों जा रहे जलंधर किसी काम से। और फिर मैं अपना सामान साथ ही ले आऊँ, बैग वगैरह, तो काम करता रहूँगा यहाँ पे। तो एनीवे हमारा जो शंकची मूवी देखने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी जो थिएटर है हाउसफुल है, दोनों ही क्यूरो भी और दूसरे वाला है अपना एमपीडी मॉल भी, दोनों ही पीवीआर जो है हाउसफुल है। तो एक तो मार्वल की मूवी है, ऊपर से संडे है इसलिए हाउसफुल है। तो हमने अभी शायद हमारा कल का प्लान बने, पक्का नहीं पता, लेकिन आज का तो ये ड्रॉप हो गया प्लान। तो कल रात जब हमने टिकट्स बुक करने के लिए ओपन किया पीवीआर को, तो सॉरी बुक थी, तो कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे इतने टाइम बाद मैंने अब बोलने की कोशिश की है, पर मुझसे बोला नहीं जा रहा क्या बोलूं, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, चलो एडजस्टमेंट करना किसी तरह। तो तुमको अरे मजाक कर रहा था, बस मजाक था। तो कैसे हो आप सब? अब बहुत टाइम बाद मैंने क्या बोले कहना है, टाइम हो दसो साल हो, मैं कन्फ्यूज हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज पूरे मैंने पूरे पूरे 3 दिन बाद बात की है, नहीं तो मैं ज़्यादातर अब बात नहीं करता, तो ज़्यादातर अब संजू ही बोलता है या जसी का। तो जसी मैं आता है ब्लॉग से बोलता हूँ, जसी का भी अपने ब्लॉग में बोलते हैं, और ब्लॉग से नहीं बोलता, अपने ब्लॉग से बोलता मैं कहता। देखिए अब इन लोगों ने पंजाबी शुरू कर दी है, इसलिए हम यहीं स्विच बंद कर देते हैं। आज का मौसम काफ़ी अजीब है, कभी धूप हो जाती है तो कभी बादल हो जाते हैं, तो ऐसे चल रहे पूरे रास्ते। चलो जी, जैसे आप देख रहे हैं हम, हमारी तिकड़ी जा रही है जलंधर को। जैसे रोज ही हमारे जलंधर कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है, ऐसे ही आज निकल आया है काम। कमल की, जैसे संजू ने बताया ही है, कमल की देने जाना है, कमल की नहीं सॉरी कमल के कार की टाटा नेक्सन की। ते अब ते सॉरी पंजाबी च हुंदा ओ नहीं आपां देना, हम जा रहे हैं टाटा नेक्सन की एजेंसी में, क्योंकि वहां से हमने दूसरी कार की लेनी है। और वैसे ना पुराने जमाने में लोग बोलते थे घर में मनी प्लांट लगाओ तो मनी आती है, मैंने तो पूरा घर ही मनी प्लांट से भर दिया, लेकिन पैसे तो फिर भी नहीं आए। जलंधर में आते ही रश शुरू और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, आप देखिए। मुझे ना ऐसे ड्राइवरों से नफरत है, दूसरों को भी रोकते हैं और आ खुद भी चलानी नहीं आती तो सालों पकड़ते क्यों वो गाड़ी, सच्ची नहीं होती है। दूसरा भी चुड्डू ही लगता है। ठोक दे। हाँ, ऐसे ड्राइवरों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, और दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी होते हैं और गाड़ी भी ठुकवा लेते हैं अपनी। जेडी है ना हिंदी है हमारी थोड़ी सी अड़ती है, वो रुक रुक कर चलती है, तो जैसे वो पुरानी जमाने में सीढ़ियाँ नहीं होती थी, वो स्क्रैच पड़ जाते थे और रुक रुक कर चलती। ये जलंधर का मेन रोड है, यहाँ पे जो आधा इस तरफ बना हुआ है और ये अभी तक नहीं बना, और ये मेन रोड है जलंधर का, ये देखो मेन रोड, मतलब दो महीने हो चले लेकिन अब तक इनसे बना नहीं रोड ये। तो लो हम पहुंच चुके हैं अभी टाटा मोटर्स, सो ये हमारी लास्ट विजिट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ नहीं दिखने वाले कभी, बस अपनी गाड़ी की चाबी लेंगे जो कि अपनी नहीं है और चले जाएंगे। तो चाबी हमें मिल चुकी है सेकंड, वही सेम ही है, नहीं इधर से सीधी। आई कैंट बिलीव हम इस शोरूम को थू करके गए थे और स्पेशल बस ये की लेने के लिए हमें जो है वापस यहाँ पे आना पड़ा, तो चलो कोई नहीं, हम मिल गए निकले। अभी हम स्पेशल चाबी देने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल चाबी लेने आए थे, स्पेशल चाबी लेके स्पेशल देने जा रहे हैं चाबी। और जस्सी फॉर्मल कपड़ों में ऐसा लग रहा है जैसे इसी शोरूम में काम कर रहा हो, और अभी इसे थोड़ी देर में लोग बोलेंगे सर हमें ये गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताएं, तो पूरा वर्कर ही लग रहा है अभी।
ये शादी से आया था इसलिए फॉर्मल में है। तो अभी हम बैठे हैं शोरूम में हुंडई के, तो चाबी हमने पकड़ा दी है। तो अभी जो है हम आए थे तो गाड़ी की हमें चेकिंग करी थी आने से पहले, तो 1000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर के बाद ही होनी थी। तो हमने सोचा जाए तो है ही, चलो सर्विस भी करवा लेते हैं। तो अभी हम गाड़ी यहाँ पे सर्विस के लिए दे दी हमने और बैठे यहाँ लाउंज में हम वेट करें। और अच्छा हुआ मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब साथ ले आया, तो अभी 1 घंटा तो लगी जाएगा, ज़्यादा ही घंटे से। तो मैं इतने में अपना काम करूँगा यहाँ पर और मेरा कोई भी काम डिले नहीं होगा। सो यहाँ चार्जर पॉइंट भी है, कहाँ गया वो रहा, वो पेड़ के पीछे। सो यहाँ पे चार्ज कर लूँगा लैपटॉप, साथ साथ काम भी कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बोल रहा था ये बंदा, अब नहीं बोल रहा, बोल बोल। नहीं नहीं पहले कुछ और बोला था सर, कुछ और बोला था। वैसे हम बाहर जाने वाले थे कैपुचिनो पीने, कॉफ़ी पीने, तो जस्सी ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और बोला चलो हुंडई चलते, वहाँ जाके कॉफ़ी पीते, फ्री की कॉफ़ी। तो ये देखो हमारी कॉफ़ी और साथ में बिस्किट भी, हमारी गोल्ड और कॉफी हमें यहीं पे फ्री मिल गई। तो उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने बोला चलो इनवाइट, उन्होंने कॉफी के लिए तो बोला नहीं था। चलो जो भी है ये बंदा सही खेल गया, सच बोल सच। सच बोल, जो ऑडियंस को गुमराह मत करो, सच बताओ जो किस लिए आए हो यहाँ। मतलब आए थे नहीं गड्डी और चाबी नहीं थी, पर वो कहता है कॉफी पी लो, मतलब उन्होंने क्या थी। चलती गाड़ी में कभी भी लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, हैंडराइटिंग का कवाड़ा हुआ पड़ा है, चलती गाड़ी में कभी मत लिखो। ये क्या है डॉक्टर की भाषा समझ नहीं आ रहा। ये बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम हो सकता है। ये रही अपनी गाड़ी, तो गाड़ी सर्विस हो चुकी है, लेकिन चमका दी गई है नई, पहली सर्विस हो चुकी है, कंग्रेचुलेशन। अब थोड़ी और माइलेज देगी हमें पहले से भी ज्यादा। सो अभी हम निकलते हैं, फाइनली निकल ही चुके हैं वहाँ से यार, काफी टाइम लग गया, 2.5 से 3 घंटे हमारे वहाँ लग गए। तो सर्विस भी करवा ली हमने इसी बहाने, गाड़ी चमका दी है, लेकिन पॉलिश उन्होंने अच्छी तरह नहीं मारी बीच बीच में से, तो काफी कुछ जो है शो कर रहा है, बट गाड़ी फिर क्लीन हो गई है। चलो अभी निकलते। ये जनाब जी बोल रहे हैं चीज चिल्ली खानी है इन्हें, लेकिन कहीं चीज चिल्ली मिल नहीं रही। हम खाएंगे चीज चिल्ली, उसके साथ एक चपाती और उसके साथ पानी पियेंगे। तो लड़के के तरह के बोल रहे हैं, लड़कियों तरह थोड़ी मैं, मतलब ये हार्मोन चेंज हो इन दोनों के। मैं यही बता रहा हूँ वीडियो में, वो देख आप गया, मैं उसने कह रहा ना, मैं बता रहा हूँ वीडियो में देख लेना किसके चेंज हुए हैं, अभी पता चल जाएंगे, वही बताएंगे जो इस वीडियो में। आवाज ना थोड़ी चेंज हुआ सर। लड़की जस्सी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जस्सी, मतलब ये दोनों नहीं आ गई, कोई बात समझ गए, वो इशारा ही काफी है, इशारा नहीं काफी, इशारे हो तेरे समझ गए। वो उस्ताद है टोए में टोआ और गड्ढे में टोआ की बोलिया था ऊपर हवा देखो एडा बड़ा टोआ वा गड्ढे में टोआ, टोए में टोआ गड्ढे में टोआ, टोए में टोआ गड्ढे में टोआ, ये की है। मतलब मैं दसना चाहता ही दर्शकों नु चलो बोलो। मैं हूँ रोजलिन, आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ये देखो इसने सेवन बंदे कुटे हैं इसके गुंडे ने, इस गुंडे ने, इसके पास काचू है। अरे कहना क्या चाहते हो। तो घर आते मैं कहाँ पे लग गया, क्योंकि कल हमें जाना है मूवी देखने, तो शेखजी मूवी कल हम देखने जा रहे हैं, मैं, लवली और सौरभ। तो बाकियों का तो टाइम नहीं था क्योंकि मंडे है कल, तो हम जा रहे हैं देखने। सो आकर उसका वीडियो भी बनानी होती है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी था। तो वो कल जा रहे हैं देखने शेंगची मूवी, तो मैं आते ही काम करने लग गया, अभी 2 वीडियोस बना के फ्री हुआ। तो जब व्लॉग एडिट किया तो देखा मैंने एंडिंग क्लिप तो बनाई नहीं, सो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बाकी व्लॉग हो चुका है एडिट। सो इस व्लॉग को ये पेंड करते गए, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।